The Congress and the UDF alleges that you are going soft with CM Pinarayi Vijayan and his family, especially in the case of gold smuggling. Your response? ऐसा है कि हमारा मोदी का सॉफ्ट होना या हार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है. ये काम इंस्टीट्यूशंस करती हैं, स्वतंत्र रूप से करती हैं, और न मेरी सरकार ने न प्रधानमंत्री ने ऐसी चीज़ों में टांग अड़ानी चाहिए. मेरा सिद्धांत है. जहाँ तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सवाल है, मैं कहता हूँ ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कोई अलग है ही नहीं. भ्रष्टाचार में डूबी पिनराई सरकार को हमने हमेशा बेनकाब किया है. मेरे यूनिट ने किया है, हमने भी किया है. क्योंकि अब देखिए 15 अप्रैल का भाषण, CMRL के साथ सौदे का मुद्दा उठाया, हमने डिटेल में उठाया. गोल्ड स्मगलिंग मामले में CM ऑफिस की ओर हमने बिल्कुल इशारा किया, साफ साफ बता दिया. कम्युनिस्ट पार्टी दो बुराइयों के उस पर कभी पहचान नहीं थी, न परिवारवाद का आरोप होता था कम्युनिस्ट पार्टी पे, न भ्रष्टाचार का आरोप होता था. आज इन दोनों में केरल कम्युनिस्ट पार्टी औरों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है. यानी बिहार के कुछ राजनेता और जो बदनाम राजनेता है उससे भी बुरा हाल परिवारवाद का केरल के कम्युनिस्ट पार्टी में दिखता है, उससे भी बुरा हाल दिखता है. अब देखिए CPM ने कोऑपरेटिव बैंक को लूटा है, उसको बेनकाब करने का काम हमने ही किया है, और आने वाले दिनों में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम भरपूर कह गए. और कांग्रेस केरला में बोलेगी इन्हें जेल डालो और अगर मैं जेल डालूंगा तो दिल्ली आकर के बयान करेंगे कि देखिए राजनीतिकों के प्रति विंडिक्टिव है. अब ये दो प्रकार की बातें करने वाले लोगों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है जी.